स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी ढीली लग रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत अच्छी है और एक्शन मूवी है। जॉन, काफ़ी दिन के बाद जॉन को देखने को मिला, बहुत अच्छा एक्शन किया है, पिक्चर टू दी पॉइंट है और जिसको एक्शन पसंद है उसको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। जॉन के सामने इमरान हाशमी तो फीके लग रहे थे एक्चुअली, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज और एक्टिंग वाइज भी जॉन ज़्यादा बेटर थे मेरे ख्याल में। फाइट शॉट में भी दोनों के भी, जैसे अलग अक्षय और जॉन होते तो शायद टक्कर दिखती, लेकिन इमरान हाशमी उनके सामने छोटे लग रहे थे थोड़ा सा। मुझे पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रैक्टिकल दिखाया है, अभी मैं क्लाइमेक्स बता नहीं सकती लेकिन क्लाइमेक्स ने पिक्चर को उठा दिया ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि नहीं पसंद आई। टू दी पॉइंट पिक्चर बनाई है, मुंबई में जो वॉर सब होता है पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में उसी को हाईलाइट किया है, तो ओवर एंड ऑल पिक्चर टू दी पॉइंट है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा ज़बरदस्ती कुछ ठूंसा है या गाने ज़बरदस्ती डाल दिए हैं या हीरो हीरोइन को ज़बरदस्ती में दिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मुंबई सागा मुझे अच्छी लगी, और बात की जाए तो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी को लड़ते हुए उनके एक्शन को देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अब गाना बना दिया तो उनको फिट करना था, मुझे एज सच उस गाने की रिक्वायरमेंट लगी नहीं, पर ठीक है, ओके था। एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्शन बिटवीन जॉन अब्राहम एंड इमरान हाशमी। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेरे फेवरेट इमरान हाशमी है, पर जॉन कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए इमरान हाशमी को नज़र आए परफॉर्मेंस के मामले में। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप लोग खुद देखिए और जानिए। आउट ऑफ 5 2.5 के आसपास। बहुत बेहतरीन पिक्चर है, अपने घर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, कोविड को भूलिए, जॉन और इमरान के लिए पक्का ये मूवी देखने आई है आप। जॉन और इमरान में से कौन किसको भारी पड़ते हुए? मुझे लगता है इमरान को जिम जाना पड़ेगा, और जॉन तो माशाल्लाह इनकी बॉडी देखकर तो मुझे लगता है पूरी पिक्चर सिर्फ उन्हीं को देखना है और किसी को देखना नहीं है। साढ़े पाँच स्टार, पाँच से भी ज़्यादा, 5.5 स्टार, बिकॉज घर से निकलने का मौका मिला, पॉपकॉर्न खाने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात जॉन का धमाकेदार रोल प्लस संजय मांजरेकर जी ने जो डायलॉग डिलीवरी और अमोल गुप्ते ने जो करिश्मा दिखाया है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उमदा है। गाने में योयो जी ने फिर से कमबैक किया है, आई एम थिंकिंग ऑल द बेस्ट टू योयो, बट इतना पैक नहीं रहा, बट मोस्टली आई थिंक आएंगे और भी अच्छी चीज़ें आएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा देख के, एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है उनका दोनों का, तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। आउट ऑफ फाइव 4 प्लस। इट वॉज गुड यार, आई मीन नाइस एंटरटेनर, अगर आप एक्शन के अगर आप फैन हैं तो दिस इज़ फॉर यू। क्या कुछ फिल्म में अच्छी लगी आपको? ऑफकोर्स इमरान हाशमी जब भी आते हैं तो थोड़ा चार चांद लगा देते हैं। जॉन इज़ गुड एज वेल, हमने जॉन को हालांकि देखा है, हिज एक्शन सीक्वेंसेस आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हिज एक्शन चॉप्स आर फैंटास्टिक, बट इट्स इमरान हाशमी हु स्टील्स द शो इन माय ओपिनियन। बहुत ज़्यादा, मतलब वो बैटल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम का, जो बैटल है, जो उनका फाइटिंग सीक्वेंस है, नॉट जस्ट पंचेस एंड किक्स बट उनका जो बैटल रहता है, जो पॉलिटिक्स चलते हैं, जो मैनिपुलेशन खेलते हैं, वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ स्टोरी यार, इट्स अ मतलब रियल इवेंट से बोरो किया, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी ना रियल हो सकती है, उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स हैं। मुंबई सागा आई वुड लाइक टू से कि बहुत मतलब एक पैंडमिक के बाद एक वॉर एक्शन टाइप सीन्स देखने को मिले, और वो भी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच जो टफ फाइट है, स्पेशली सेकेंड हाफ में जो सीन्स हैं उनके, सो दैट इज़ आई ग्रैबिंग। सो आई थिंक मूवी ओवरऑल ठीक है, बट सेकेंड पार्ट इज़ द बेस्ट। इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम की जो केमिस्ट्री आई, मत से कि जो एक कपल की केमिस्ट्री होती है उससे भी ज़्यादा बेहतर थी, एंड ऑब्वियसली जॉन अब्राहम के जो डोले शोले है एंड देन द इंटेंस लुक ही गिव्स, सो आई थिंक जॉन अब्राहम ऑब्वियसली इमरान हाशमी पर थोड़े भारी पड़ गए। एक्शन सीन्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगे, और जो उन्होंने जो डायरेक्शन किया है
एंड एक गाना भी है बीच में जो ऑफ बीट जाता है, या थोड़ा ऑफ बीट जाता है, बट देन ओवरऑल मूवी में अगर देखा जाए तो एक्शन सीन्स जो है वो बेस्ट है।